नमस्कार रुवा देखा ताड़ी भोजपुरी न्यूज टाइम और हम शंभु शरण। गोरखपुर जनपद में एक ऐसा आयोजन जौना आयोजन से भोजपुरी के एक संवर्धन मिले, जौना आयोजन से भोजपुरी के एक दिशा मिले, भोजपुरी दिवस मनावल जाता। यहाँ आयोजक मंडल से हम जानब कि आज चूंकि भोजपुरी जौन स्तर पे जा रहा बा, जौन भोजपुरी का स्तर गिरता ओके बचौला खातिर बड़ा प्रयास रोने करता नहीं। आयोजक यहाँ बाड़ी राकेश सिंह पहलवान, स्वागत बा आपका भोजपुरी न्यूज टाइम। आज आप जौन बीड़ा उठौले बाड़ी, क्योंकि ये परिस्थिति में ये परिवेश में जौना परिवेश में भोजपुरी से लोग बड़ी दूर भागता और भोजपुरी जौन धरोहर हो के बचावे के आप बीड़ा उठौले बाड़ी, तो कैसे संभव हो पाई आप बताएं? ये अकेले राकेश सिंह पहलवान के बस की बात नहीं है, ये निर्णय गोरखपुर के कुछ संभ्रांत विद्वत जन के साथ एक बैठक भइल। वो बैठक में निर्णय भइल कि भाई दुनिया भर में हर प्रकार के दिवस मनावल जाला और सबसे समृद्ध बहुत सारी गौरवशाली संस्कृति के अपने आप में समेट ले भोजपुरी के दिवस नहीं मनावल जाला, तो भोजपुरी दिवस भी मने चाहिए। और कहें से भोजपुरी भाषा 50 से अधिक देशन में बोलल जाले और विश्व के कौनो ऐसा देश टाइप बचल हुई जहाँ भोजपुरिया समाज के लोग ना हो, विदेशन में रह के भी वो अपने भाषा अपने संस्कृति के हर प्रकार से बचौले बाटें, तीज त्यौहार के अपने वो संरक्षण कैले बाटें। तो यह नाते भारत में जहाँ के ये भाषा है वहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत के 8वीं अनुसूची में शामिल कर लिया। दुर्भाग्य है कि नेपाल जैसा देश में भोजपुरी शामिल है, बोलल जाले नहीं पढ़ावल जाले, लेकिन भारत में नेपाली शामिल है लेकिन भोजपुरी नहीं शामिल है। तो खाली हो सकेला कुछ न नज़र पड़ल हो बड़े लोगन के और एक प्रयास कही जाए कि एक लिए कुछ कही जा। और भोजपुरी दिवस आज के दिन महेंद्र मिश्र जी के जन्मदिवस पर मनौले के आज से शुरुआत कही गई है। महेंद्र मिश्र जी के बारे में बतौले को आवश्यकता नहीं बा कि महान विद्वान, महान गायक और बहुत सारी खूबी उनके रहे, महान कला को क्रांतिकारी रहने, देश के आज़ाद करावे खाते अपने बल और उसके हमेशा उपयोग कैलें। ऐसा महेंद्र मिश्र जी के दिवस पर आज से शुरू कैल गए है। आज के लिए सबसे गौरवशाली बात रहल है कि मुख्य अतिथि के रूप में हमके डॉक्टर अशोक जाह्नवी जी, जोन खुद दुनिया के 10 विद्वानन में से पांचवा जेकर स्थान है, पूर्व भारत के पहला राष्ट्रपति स्वर्गीय बाबू डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के आप प्रपौत रहें, उनकर आगमन यहाँ भइल, उनसे सबके आशीर्वाद मिलल। उ जौन आदमी 38 साल तक विदेशन में ही खाली पढ़ना उ कैलें, आज भोजपुरी में उनकर भाषण सुन के कितना यहाँ अच्छा लगल है। ये अवसर पर पूर्वांचल के दुई भोजपुरी के महान हस्ती डॉक्टर रविंद्र श्रीवास्तव जुगानी भाई और स्वर कोकिला उर्मिला शुक्ला जी के सम्मानित कैले के भी गुरु हनुमान सेवा संस्थान कई के शुरुआत कैले से कोशिश कैले अगले साल से और बृहत रूप हो। सबकर सहयोग रही, सबकर रू रही, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप राकेश सिंह पहलवान के देखते रहनी और आज से भोजपुरी दिवस मनावला का योजना बा, आज से भोजपुरी दिवस मनावल जाए और हर साल मनावल जाए, भोजपुरी के मजबूत करे के कड़ी बा, भोजपुरी यहाँ से मजबूत हुई और एक सफल ऑडियंस तैयार हुई है, एक सफल श्रोता तैयार हुई है, भोजपुरी से कचरा समाप्त हुई और भोजपुरी के वर्ग मजबूत हुई। बहुत बहुत धन्यवाद रवा देखा भोजपुरी न्यूज टाइम। कैमरा पर्सन मनोज संघ, हम शंभु शरण।